गाइज अगर आप सब भी ऑनलाइन HDFC का सेविंग अकाउंट या सैलरी अकाउंट ओपन किए हैं तो अगर आप सब 12 महीना के अंदर अंदर अगर आप सब फुल KYC नहीं करवाते हैं तो क्या होता है। आप सबके लिए भी ये भी लव लेटर आ सकता है जो कि मेरे पास भी आया है। तो गाइज क्या क्या इसका प्रोसेस होता है, किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं, जो कि मैं आप सबको हर एक वीडियो में बोलता रहता हूँ, जो कि मैं एक वीडियो आप सबको बना के भी दिया था जिसमें बताया था अगर आप सब ऑनलाइन कोई भी सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो इसके लिए 12 मंथ में उसका फुल KYC करना अनिवार्य रहता है। तो क्या क्या इसमें आया है हमको टर्म एंड कंडीशन करने के लिए, और अगर हम ये 12 महीना के अंदर फुल KYC नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है अकाउंट का, तो ये भी प्रोसेस जानते हैं, पूरा प्रोसेस जानते हैं इस वीडियो में। तो आप जरूर इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए क्योंकि पूरा जानकारी आप सबको मिलने वाला है। आप सब सोचते हैं कि ऑनलाइन कैसे हम सब अकाउंट बंद करें, तो ये भी आपको जानकारी मिल जाएगा इसी वीडियो में। तो गाइस जाते जाते जो वीडियो को भी एक लाइक कीजिएगा क्योंकि आपके ही लाइक से हमको एक मोटिवेट मिलता है, तो जो वीडियो को भी एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आप सबके लिए मैं ऐसे ही बैंक फाइनेंस के रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता, तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस अगर आप सब भी HDFC का अकाउंट ओपन किए हैं तो आप सबके पास भी ये एक तरह का एक लेटर आ जाएगा जिसके लेटर में पूरे तरीके से मेंशन किया गया है कि आपको क्या करना है और नहीं करना है। क्योंकि अगर आप कोई भी सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके ऊपर टर्म एंड कंडीशन होता है, यानी अगर आप ऑनलाइन, जैसे कि मैं भी ये एक आपको वीडियो बनाकर दिया था कि ऑनलाइन हम सब HDFC का अकाउंट कैसे ओपन करें, तो ओपन तो कर लिए हम लोग लेकिन इसका जो टर्म एंड कंडीशन है वो हम सब एग्री ही नहीं किए हैं। एग्री करने के लिए आपको जो आधार कार्ड और पैन कार्ड होता है वो आपको जमा करना पड़ता है बैंक में। चलो आपको दिखाते हैं, इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो भी इसमें से एक पेपर आपको निकाल के दिखाता हूं कि इसमें क्या-क्या मेंशन किया गया है, तो यही वो पेपर है जिसमें आपको पूरे तरीके से मेंशन किया गया है। चलो फाइनली मैं इसको ओपन करता हूं और ये जो लिफाफा है जिसमें हम लोग बोलते हैं लव लेटर है, ये लव लेटर को मैं करता हूं अभी साइड। और अभी इसमें से मैं बता दूं कि क्या-क्या आपको टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बेसिस के ऊपर ही आप सब अपना आधार यानी अपना जो HDFC का अकाउंट है ओपन कर पाएंगे और आप सब कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ये कुछ इस तरह का आपको जो एक नोटिस आया है, नोटिस में पूरे तरीके से मेंशन किया गया है जिसका जो मेन कौन सा सिटी से आया है, जो कि ये मुंबई से ही आया है ट्रांसफर होकर मेरे पास, और मैं भी मुंबई में ही रहता हूं, तो जो कि बता दो कि जो मेरा घर कहीं और है और मेरा जो मैं जिस तरह काम करता हूं जो कंपनी में, उस कंपनी के ऑटोमेटिक ये एड्रेस ले लिया गया है, जो कि मैं ये एड्रेस मैं खुद से फिल भी नहीं किया था, यानी जो मेरे पास जो ICICI का अकाउंट है जो कि मेरा सैलरी अकाउंट है, तो उस अकाउंट से ये एड्रेस लिया गया है और उसके बाद ये मेरे पास ये भेजा गया है। मैं जो एड्रेस डाला था वो मैं अपने घर का डाला था एड्रेस, बस वो घर पे एड्रेस नहीं गया है। और देखिए मैं जो अकाउंट आप सबको ओपन करके दिखाया था वो दिखाया था मैं सिर्फ सेविंग अकाउंट, और इधर दिखाया गया है सैलरी अकाउंट भी, यानी आप हम चाहें तो हम इसमें से दोनों ही सेविंग या सैलरी दोनों इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये भी बता दूं, और ये जो आप देखिए ये ब्रांच कोड इधर आपको दिखता होगा, ये ब्रांच कोड मेरा कंपनी का है, ये कंपनी का भी कोड ऑटोमेटिक ले लिया गया है, जो कि बता दूं कि ये HDFC बैंक क्या होता है, ये सर्च करता है कि इसके नाम पे क्या चल रहा है, ये क्या बंदा कर रहा है, सैलरी कर रहा है यानी जॉब कर रहा है कहीं के नहीं कर रहा है, तो जो आप जॉब करते रहेंगे तो उस कंपनी का जो कोड रहेगा ऑटोमेटिक इधर डाल दिया गया, यानी आप ये कहीं भी इंडिया के कोई भी ब्रांच में अगर आप जाएंगे, जो कि ब्रांच का नाम इधर आपको दिख रहा है, इस लोकेशन में आप कहीं भी रहते हैं तो ये लोकेशन पर जाने के बाद आप क्या करना है, आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा करना है HDFC बैंक में। जैसे आप जमा कर देंगे आपका अकाउंट कंटिन्यू चालू रहेगा, जिसमें देखिए इधर आपको पूरे तरीके से मेंशन किया गया है अगर आप फुल KYC नहीं करते हैं 12 महीना के अंदर अंदर, इधर देखिए पूरे तरीके से मेंशन किया गया है अगर आप 12 महीना के जब आप ओपनिंग करते हैं अकाउंट, ओपन अकाउंट ओपन के बाद फैसिलिटी जो होता है 12 महीना के अंदर अंदर आपको कोई भी ब्रांच में जाके अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा करना पड़ता है। अगर 12 महीना के अंदर अंदर अगर आप आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप इसका अकाउंट को यूज कभी भी नहीं कर पाएंगे। देखिए इधर आपको दिखाया जा रहा है कि साइड अकाउंट विल बी क्लोजेज, इधर देखिए अगर आप 12 महीना के अंदर अंदर नहीं जमा करेंगे तो इधर आपका जो है ये अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा, फिर आप ये अकाउंट को यूज कभी भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सबका दिल में यही था एक बात कि अब हमारा अकाउंट ऑनलाइन हम सब कैसे इसको बंद करें, तो बंद करने के लिए आपको यही एक बेस्ट जरिया है, आप सब ये यूज करके अपने अकाउंट को बंद करवा सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपको चालू करना है तो चालू करने के लिए आपको ये देखिए आपको इतना ब्रांच का नाम दिया गया इसमें, तो ये ब्रांच में से किसी भी ब्रांच में जाएंगे, अपना
आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा करेंगे तो आपका जो है ये सेविंग अकाउंट चालू रहेगा, या सैलरी अकाउंट है तो सैलरी अकाउंट चालू रहेगा। लेकिन अगर आपको चालू नहीं करना है अकाउंट का तो कोई बात नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए, आपका अकाउंट में जीरो बैलेंस रखना है, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। सो गाइस अगर आप सब भी कभी भी ऑनलाइन या HDFC का अकाउंट ओपन किए हैं तो आप सबको 12 महीना के अंदर अंदर फुल KYC करना पड़ता है। कोई भी ब्रांच में जाइए, उसके बाद अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा कर दीजिए, तब तो आपका अकाउंट चालू रहेगा, नहीं तो 12 महीना के अंदर अंदर ही आपका सेविंग अकाउंट या सैलरी अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, आपको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप सबका एक ही टेंशन था कि हम जो अकाउंट ओपन किए हैं तो हमको बंद कैसे करना है, तभी आप सबको बंद करने के लिए कोई नोटिफिकेशन बैंक को देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको कोई लेटर लिख के देने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको 12 महीना वेट करना है, 12 महीना के बाद ऑटोमेटिकली आपका HDFC का बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, इसमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप सबको इस बैंक अकाउंट को चालू करके रखना है तो चालू करने के लिए आप सबको याद रखना है कि इसका जो फुल KYC का टर्म एंड कंडीशन है वो आप इंडिया में कहीं भी कोई भी ब्रांच में जाइए और अपना आधार कार्ड पैन कार्ड जमा कर दीजिए, आपका अकाउंट चालू रहेगा, फुल KYC हो चुका, उसमें आपको जितना लिमिट रखना है लिमिट रख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको एक क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा, नेट बैंकिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा और आप सब मोबाइल बैंकिंग का भी यूज कर सकते हैं। बशर्ते ये सब फैसिलिटी यूज करने के लिए आपको फुल KYC अनिवार्य है। क्रेडिट कार्ड तभी मिलता है जब आपका अकाउंट में अच्छा खासा लिमिट रहता है और अच्छा खासा लेन देन होता है, उसके बाद ही आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप अच्छा खासा लेन देन नहीं करते हैं तो जो आपको ये HDFC का क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। अदरवाइज आप कोई भी ICICI का या कोई अदर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसके बेसिस पे भी आपको HDFC क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो गाइस ये कमाल का अपडेट है। अगर आप सब भी सोचते हैं कि किस तरीके से हम HDFC का अकाउंट ऑनलाइन बंद करवाऊं तो ऑनलाइन बंद करवाने के लिए आपको यही आइडिया है। अगर आप सब बंद करवाना चाहते हैं तो आप घर में सो जाइए, आपका 12 महीना के बाद ऑटोमेटिक HDFC का अकाउंट बंद हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम उसको चालू करके रखूं तो चालू करने के लिए आपको आधार कार्ड पैन कार्ड, इंडिया में कोई भी कोना में जाइए और जिधर HDFC का ब्रांच है उस ब्रांच में जाके अपना आप आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा करना है, आपका अकाउंट चालू रहेगा, बस इतना ही करना है। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, जो वीडियो का लाइक कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।